गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इट्स मीन्स ICICI। ये क्या होता है? दिस कॉरपोरेशन वॉज सेटअप ऑन 5 जनवरी 1955 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी से एसेट करके इसे हमारे कंट्री में सेटअप किया गया था। दिस इज सेकेंड ऑल इंडिया स्पेशल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। दिस कॉरपोरेशन प्रोवाइड द असिस्टेंस इन द सर्टन एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस। द ICICI डिफर फ्रॉम द टू अदर्स ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक IFC एंड IDBI से, ये डिफर थे एंड एक्सपर्ट ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट एंड लेंडिंग ऑपरेशन। द IFC एंड द IDBI आर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट बैंक, जबकि ICICI इज़ अ प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट्स बैंक। इसके फंक्शन क्या होते थे? सबसे पहला होता था इट्स ग्रांट्स लोन एंड अ मीडियम टर्म्स लोन टू द इंडस्ट्रियल कंसर्न। इट्स मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक एंड शेयर ऑफ अ प्राइवेट इंडस्ट्रियल कंसर्न। इट गारंटीज लोन फ्रॉम द अदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सोर्सेज। इट अंडर राइट्स न्यू स्टॉक एंड शेयर फ्लॉटेड बाय द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। इट प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू द कंपनीज। द ICICI प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ओनली टू एक्वायर कैपिटल एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड अदर कैपिटल इक्विपमेंट। फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके क्या थे? द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कॉरपोरेशन ऑफ ₹4,655 करोड़। इट्स पैडअप जो शेयर कैपिटल थी वो थी इनकी 1863 करोड़ की। इन द अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर द रिवर्स रिजर्व फंड्स, लोन इन द इंडियन एंड अ फॉरेन करेंसी। एट द एयर इंडिया 31 मार्च 2001 द टोटल एसेट्स ऑफ ICICI वर 73,414 करोड़। इनका जो मैनेजमेंट था उसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कॉरपोरेशन मे बी 5 और 15 रेस्पेक्टिवली इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद आपका आता है द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि IDBI। द IDBI इसका सेटअप जो था 1964 जुलाई में हुआ था, ओनली ओन सब्सिडरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था। इट्स ऑथोराइज जो कैपिटल थी 1000 करोड़ थी, विच कुड बी रेज्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इनिशियल पेडअप कैपिटल वॉज ₹10 करोड़। द पेडअप कैपिटल इज द IDBI इज नो नाउ ₹753 करोड़। द मेन ऑब्जेक्ट जो था इसका प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल एज वेल एज लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लोन प्रोवाइड करना था। इसके अलावा ये स्टॉक, शेयर्स, ये सारी चीज़ें डिबेंचर्स को भी परचेस कर सकते थे। इनका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज था, द मेन सोर्सेज ऑफ इट्स फंड्स आर शेयर कैपिटल, रिजर्व बोरिंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बॉन्ड्स एंड द डिबेंचर इशू एसेट्रा। इनके जो फंक्शंस थे वो क्या थे? फर्स्ट था डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस। IDBI प्रोवाइड द डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द इंडस्ट्रियल कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ अ लोन, अंडरराइटिंग एंड डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन टू द शेयर एंड डिबेंचर्स एंड द गारंटीज। फिर नेक्स्ट है इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द इंडस्ट्रीज। अ मेजर पार्ट ऑफ द IDBI असिस्टेंट टू रूट थ्रू आउट द सम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन स्टेट। नेक्स्ट है असिस्टेंट टू द बैकवर्ड एरिया। ये जो IDBI थी ये बैकवर्ड एरिया में असिस्टेंट का काम करते थे। नेक्स्ट है असिस्टेंट टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जितनी भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसमें ये एक असिस्टेंट के रूप में काम करते थे, जहाँ पे ये फाइनेंशियल चीज़ों को कंसल्ट करते थे। प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ द IDBI। अपार्ट फ्रॉम द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द इंडस्ट्री, द IDBI परफॉर्म सर्टेन प्रोमोशनल फंक्शन एज वेल एज दिस इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ अ ट्रेनिंग इन अ प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आपका आता है द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि IRBI। ये क्या करता है? देर आर आर सो मैनी सिख इंडस्ट्री यूनिट इन इंडिया। आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट है जो सिख हैं। दिस यूनिट प्रोसेस ऑब्सोलीट मशीनरी एंड अ पुअर मैनेजमेंट। द इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ द सब यूनिट हैज़ द डिस्ट्रॉयडेड बिकॉज द मैनेजर ऑफ दिस यूनिट हैव पेड मोर अटेंशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिविडेंड रेदर दैन द री इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। द गवर्नमेंट डज नॉट वॉन्ट दिस यूनिट टू द शट डाउन बिकॉज दिस वुड लेट द रिट्रेसमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिस्क कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द सच सिक यूनिट्स। इसका मेन उद्देश्य इन यूनिट्स को सही करना ही था। जो मार्च 20 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कन्वर्टेड किया था IRC इंटू द सिक्योरिटी कॉरपोरेशन टू बी कॉल द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ द इंडिया। इसके बाद आपका आता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड NSIC। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन वॉज सेटअप इन 1955। दिस कॉरपोरेशन सप्लाईज मशीनरी टू स्मॉल स्केल यूनिट्स एंड हायर परचेज बेसिस। हायर परचेज भी स्मॉल यूनिट्स को मशीनरी वगैरह देती थी। द एसेट्स रेमिन द
द प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफिस इट ऑल्सो हेल्प द स्मॉल यूनिट इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ द स्केयर ऑफ द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल एंड मेकिंग देयर प्रोडक्ट एट होम एंड अब्रॉड। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्जिम बैंक। ये बैंक होते थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को कोऑर्डिनेट करते थे। इनको 1 जनवरी 1982 में फाइनेंसिंग फैसिलिटी के लिए सेटअप किया गया था। यूटीआई जिसे हम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये हमारे इंडिया में 1 जुलाई 1964 को इस्टेब्लिश किए गए थे। इनका क्या काम होता था, मतलब किस ऑब्जेक्टिव से इसको बनाया गया था। पहला था पब्लिक की सेविंग को इकट्ठा करना, इंक्रीज द कैपिटल बाई सेलिंग यूनिट टू स्मॉल इन्वेस्टर एंड द एक्युमुलेटिंग सेविंग इन्वेस्टिंग द सेविंग इन इंडस्ट्रीज। इसका जो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या था, इसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होते थे जहाँ पे 10 ट्रस्टी इन द बोर्ड्स इन एडिशन टू द डैम एक्सक्लूसिव ट्रस्टीज आल्सो अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक से किए जाते थे। देयर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कंपोज ऑफ द चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 16 फरवरी 1976 को ऐसे अपॉइंट किया था। फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो होता था इसमें 5 करोड़ की कैपिटल थी जिसमें 1.5 करोड़ आर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, 75 लाख जो था SBI से था, 2.5 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड 1 करोड़ बाय द शेड्यूल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला था। अदर देन दिस द यूनिट ट्रस्ट ऑल्सो सेल इट्स यूनिट इन अ पब्लिक। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द ट्रस्ट, इसकी जो पॉलिसी थी वो कैसी थी, द ट्रस्ट विल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% अमाउंट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फंड इन अ कंपनी और मोर देन 10% ऑफ द सिक्योरिटी इशू बाई डेट कंपनी। सेकेंड था द ट्रस्ट विल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इट्स इन्वेस्टमेंट फंड इन द इनिशियल सिक्योरिटी इशू बाई द न्यू कंपनीज। इसकी जो प्रोग्रेस थी वो भी ओवरऑल मिला के बहुत ही अच्छी थी। समय समय पर इसकी प्रोग्रेस देता जा रहा था उसे आप है। अब इसमें क्या था कि जो इनकी मतलब सेविंग थी वो वॉलेंट्री सेविंग स्कीम पे 1969 में थी। ट्रस्ट आल्सो हैज़ द स्टेटेड चाइल्ड गिफ्ट स्कीम सिंस जुलाई 1 जुलाई 1970 को इसने चाइल्ड गिफ्ट स्कीम शुरू की थी। इसके बाद इसमें 15 साल तक की चिल्ड्रंस के लिए दिया गया था। फिर मंथली इनकम यूनिट स्कीम किया गया था जिसे 1987 में दिखाया गया था। इसमें इंक्रीज इनकम स्कीम थी। सेकेंड आपका 1987 था इंक्रीजिंग इनकम यूनिट स्कीम। थर्ड फिर इस तरह कर कर करके इन्होंने कई सारी स्कीम अपनी बनाती गई जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा होता चला गया। इसके बाद बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।